नमस्कार, बी एड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर। और आज हम लोग बात करेंगे शैक्षिक उद्देश्य। क्या होता है शैक्षिक उद्देश्य, क्यों बनाया जाता है शैक्षिक उद्देश्य, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शैक्षिक उद्देश्य देखते हैं, जो एक अध्यापक होता है वो क्या सिखाना चाहता है और जो शिक्षण कार्य वो करवा रहा है उससे बच्चों में क्या परिवर्तन लाना चाहता है और वह मूल्य किस आधार पर वो मूल्यांकन करेगा। तो इसलिए शैक्षिक उद्देश्य जरूरी है कि वे वो शिक्षण जो करवाने जा रहा है तो वो किस उद्देश्य से करवाएगा और उसमें क्या व्यवहारगत परिवर्तन वो लाना चाहता है। तो इससे यह अभिष्ट होता है कि जो शैक्षिक उद्देश्य है वो व्यवहारगत परिवर्तन लाते हैं बालकों के अंतर्गत, यानी कि जो बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाए वही शैक्षिक उद्देश्य कहलाते हैं। अब बात आती है एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी के अनुसार उद्देश्य वह बिंदु या साध्य है जिसकी दिशा में कार्य अग्रसर होता है या तथा पूर्व नियोजित जो परिवर्तन है वो इसके द्वारा लाया जा सकता है, इसके द्वारा शिक्षा के द्वारा। जो एनसीईआरटी है उसके अनुसार कहा गया है कि जो उद्देश्य है वो क्या है, बिंदु या साध्य है जो जो कार्य को दिशा कार्य के कार्य को दिशा प्रदान करता है, या फिर कह सकते हैं कि जो पूर्व नियोजित परिवर्तन हमने नियोजित कराया है वो परिवर्तन इन उद्देश्यों के द्वारा लाया जा सकता है। अब लिखेंगे शैक्षिक उद्देश्यों की उपयोगिता। हम देखते हैं अब शैक्षिक उद्देश्यों की आवश्यकता या उपयोगिता कह सकते हैं आवश्यकता। तो शैक्षिक उद्देश्यों की आवश्यकता क्यों है, तो शिक्षण को दिशा प्रदान करना, शिक्षण को दिशा प्रदान करना। एनसीईआरटी की जो परिभाषा है उसके अनुसार भी हमने देखा था कि जो उद्देश्य है वो जो शिक्षण कार्य को दिशा प्रदान करते हैं, मतलब कि जब हम किसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो कार्य सही हो जाता है, या जब कार्य को हमको सही करना है या कार्य किसी कार्य को करना है, यदि हम उद्देश्य को निर्धारित नहीं करेंगे तो वो कार्य सफल नहीं होगा। तो ये जो किस दिशा में हमको चलना है, किस प्रकार चलना है, तो वो एक उद्देश्य ही निर्धारित करते हैं। तो जो शिक्षण कार्य को क्या होता है, दिशा मिलती है उद्देश्यों के द्वारा। फिर है शिक्षण क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित हो जाता है। जो शिक्षण कार्य है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो जाता है किसके द्वारा, उद्देश्यों के द्वारा। तो इसीलिए उद्देश्य क्या है, आवश्यक है। फिर बात है शिक्षा की किस सीमा तक सीखे हैं, किस सीमा तक लाभान्वित हुए या सीखे हैं, लाभान्वित हुए हैं या सीखे हैं, तो वो हमें किसके द्वारा पता चलेगा, उद्देश्यों के द्वारा हमें ज्ञात हो जाएगा। फिर चौथी बात है मूल्यांकन को आधार मिलता है इसके द्वारा, मूल्यांकन को आधार मिलता है। अब मूल्यांकन को आधार किसके द्वारा मिलता है, तो मूल्यांकन यदि हमें पता ही नहीं होगा कि हम मूल्यांकन के अगर हमने जब शिक्षण के बारे में शिक्षण में हम क्या करवा रहे हैं तो वो हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हम शिक्षण में ये करवाएंगे, बच्चा ये कर सकेगा, तो उस प्रकार की क्रिया हम उद्देश्य में निर्धारित करते हैं। यदि अगर हम उद्देश्य के अंतर्गत निर्धारण ही नहीं करेंगे कि हमें क्या सिखाना है, तो उद्देश्य में निर्धारित हो गया है कि बच्चे शब्दों तक मान लो ये चीज पढ़ेंगे तो वो पर्यावेक्षी शब्दों को सीखेंगे या फिर वो नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हम उन नवीन शब्दों के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते हैं कि उनसे वो शब्द पूछकर ज्ञात कर सकते हैं कि उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई। तो अब जो मूल्यांकन है उसके लिए सहायक होते हैं या आवश्यक होते हैं। फिर बात की है नियोजित परिवर्तन। नियोजित परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, तो पूर्व में जो हमने योजना बनाई है, नियोजित परिवर्तन मतलब कि पूर्व में योजना
परिवर्तक होता है, तो ये आवश्यक है। फिर बात आती है कि उद्देश्य निर्माण या चुनाव की कसौटी, उद्देश्य चुनाव की कसौटी। अब उद्देश्य चुनाव की कसौटियां मतलब कि जब हम उद्देश्यों का निर्धारण करें, उद्देश्यों को लें, तो किन बातों को ध्यान में रखकर हमें वो उद्देश्य लेने पड़ेंगे, किसको पार कर, मतलब किनको आधार मानकर हमें ये उद्देश्यों का निर्धारण करना है। तो बात आ रही पहली उपयुक्तता, उपयुक्तता उपयुक्तता के अंतर्गत हम ये बात लेते हैं कि जो उद्देश्य है वो जो बालकों की आवश्यकताओं, समाज की जो आवश्यकता है और राष्ट्र की जो आवश्यकता है, राष्ट्र के जो लक्ष्य है उनको आधार मानकर किए जाए निर्धारित। फिर बात आती है व्यवहारिकता। अब जहां व्यवहारिकता की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर जो उद्देश्य है वो विद्यालय में उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधनों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। हम उद्देश्य निर्धारण में तो लिख रहे हैं कि बालक अगर कोई नई टेक्निक है, टेक्निक के बारे में अगर मान लो लिख दिया कि इस टेक्निक से वो बालक ये सीखेगा, और सपोज विद्यालय में वो ऐसी टेक्निक उपलब्ध नहीं है तो ये गलत होगा कि हमें हमारे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस कसौटी के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि वहां पर मानवीय कहे तो शिक्षक प्रधानाध्यापक संबंधित है, ठीक है, स्टाफ से संबंधित है, और अगर भौतिक से कहे तो भौतिक वातावरण की बात होती है, भौतिक संसाधन है, लाइट है, पानी है, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उनकी बात, तो ये दो ये सारी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। फिर है प्राप्यता। प्राप्यता प्राप्यता के अंतर्गत यानी कि जो प्राप्त करना है हमें उद्देश्यों के आधार पर जो प्राप्त करना है, किस सीमा तक वो प्राप्त होगा और बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर वो प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी बात हम करेंगे कि जब हम उद्देश्य निर्धारण करें तो बालकों के मानसिक स्तर को देखें और जो निश्चित समय सीमा है उसमें वो उद्देश्य प्राप्त हो रहे या नहीं हो रहे, इसका ध्यान रखेंगे। फिर है विशिष्टता। विशिष्टता अब विशिष्टता के अंतर्गत जो हमने सिखाया है बच्चों को, मतलब कि जो पाठ्य वस्तु है उस वो और जो बच्चे के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन हुआ है वो, इन दोनों में विशिष्टता होनी चाहिए। जो हमने सिखाया है बालकों, बालक जो विद्यार्थी है उससे भी आगे करें या उससे भी विशिष्ट प्रदर्शन करें, तभी हम उद्देश्यों को सही मानेंगे। फिर बात आती है उपयोगिता। जहां उपयोगिता की बात करते हैं तो ये जो उद्देश्य है वो हमने निर्धारण किए हैं तो वो उपयोगी होने चाहिए, ऐसे नहीं कि हम पढ़ा रहे कुछ और हैं और उद्देश्यों का निर्धारण कुछ और किया है, तो पाठ्य वस्तु की दृष्टि से क्या होने चाहिए, उपयोगी होने चाहिए। फिर बात आती है स्पष्टता। उद्देश्य है वो स्पष्ट होने चाहिए कि हम उस उद्देश्य में कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब उद्देश्यों जब उन
ज्ञान उपयोग विश्लेषण संश्लेषण और अंत में आता है मूल्यांकन। अंत में जो कि है मूल्यांकन और भावात्मक पक्ष के अंतर्गत इन्होंने लिया अनुग्रहण अनुग्रहण अनुक्रिया मूल्यांकन प्रत्येकरण व्यवस्था और शारीरिकरण। क्रियात्मक पक्ष उद्देश्य थे इसमें प्रत्यक्षीकरण व्यवस्था निर्देशित अनुक्रिया निर्देशित अनुक्रिया अनुक्रिया कार्य प्रणाली अनुकूलन अनुकूलन और उद्भव। यदि ये हमें उद्देश्यों के बारे में बताना है